नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ कालू सिंह गुजर। आज हम और एक ओरिएंटल से नया हेल्थी सूप लेके आ रहे हैं। हेल्थी सूप के साथ साथ एक काफ़ी एशियन से ओरिएंटल से काफ़ी पॉपुलर एक सूप है जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेमन कोरिएंडर। और एक हेल्थी सूप जिसको हम बोल सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से जिसको हम बनाएंगे पिएंगे, बहुत डिफरेंट हेल्थी सूप है। उसका नाम दिया है हमने वेजिटेबल क्लियर सूप। तो दो वेराइटी के आज सूप बनाएंगे हम। दोनों का आपको मैं एग्रीमेंट इंग्रीडियंट्स भी अलग अलग से बोल दिखाऊंगा, देन उसके साथ साथ दोनों मैं अलग अलग बना के आपको प्रेजेंट करूंगा, अलग अलग बना के आपको पीना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वीडियो पे फोकस करना है। वीडियो पे फोकस के साथ दोनों चीजें डिफरेंट रहेगा। उसके लिए मैं आज जो सबसे हम एक वेजिटेबल क्लियर सूप ला रहे हैं, देन उस एक हमने बोला है लेमन कोरिएंडर। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल क्लियर सूप बनाएंगे, देन लेमन कोरिएंडर बनाएंगे। बहुत इजी शॉर्ट तरीके से हेल्थी सूप बना के पी सकते हैं आप घर में, बहुत इजी तरीके से, यानी कि बोलते हैं ना आप पिकअप, तो वन मिनट के बाद देन आप सूप पिकअप कर सकते हो, देन पी सकते हो प्रैक्टिकल के साथ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मेरा जो वीडियो है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, यानी कि जो वेजिटेबल्स है उस पर फोकस करना है, देन हमने इंग्रीडियंट्स जो उसमें डालने हैं, देन उसकी जो सीजनिंग है उस पर फोकस करना है। एक से दो, दो से तीन इंग्रीडियंट से हम वो बनाएंगे, देन सीजनिंग भी हमारा दो से तीन रहेगा। काफ़ी सारे वीडियो आपने देख भी लिए चाइनीज के, तो और भी मैं सेम वैसे ही जो आपकी जो सीजनिंग है उसमें तो कोई डिफरेंट नहीं है, बाकी जो सूप है थोड़ा डिफरेंट है। नाम आपने सुना ही है, काफ़ी पॉपुलर सूप है वेज क्लियर और लेमन कोरिएंडर। तो लेमन कोरिएंडर ज़्यादा पॉपुलर है, देन वेजिटेबल क्लियर सूप थोड़ा हेल्थी है तो उसको लोग कम लाइक करते हैं। जिन लोग को हेल्थी थोड़ा मेंटेन करना होता है वही उस चीज़ को लेके चलते हैं। तो मैं अभी आपको दोनों सूप के इंग्रीडियंट्स दिखा देता हूँ, देन हम इसके बाद क्या करना होगा। ये हमने थोड़ा सा आज कटिंग भी डिफरेंट किया है। तो सबसे पहले तो आपको पता है ये पोक्सो है, हमने जस्ट थोड़ा सा इसको ब्लांच किया है, ये हो गया हमारा। देन ये आपको दिख ही रहा है फ्रेंच बीन्स है, ये कैरेट है, हमने थोड़ा सा आज थोड़ा डिफरेंट कटिंग किया है, ये हो गया। देन ये हमारा ब्रोकली हो गया, ये बेबी कॉर्न है, फ्रेश बेबी कॉर्न, ये हमने ब्लांच किया है। देन ये आपका मशरूम है, आप मशरूम में दो वन टन मशरूम भी यूज कर सकते हैं, देन आप फ्रेश मशरूम भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, और देन उसमें और भी कोई भी मशरूम यूज कर सकते हैं, जैसे सताके हो गए आपका, और भी कई मशरूम आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये सारे मशरूम से तो आपका हो गया ये वेजिटेबल क्लियर सूप। सीजनिंग में आपको पता ही है उसमें थोड़ा आरोमेट जाएगा और ये आपका साल्ट जाएगा, जस्ट थोड़ा सा एक दो से फुल ड्रॉप जिसको हम बोल सकते हैं, एक से दो दाने आप शुगर के डालोगे, देन आपका लास्ट में सीसमी ऑयल जाएगा। तो ये ऐसे करके आपका ये वेजिटेबल क्लियर सूप रेडी हो गया। अब रही बात हमारी वेजिटेबल क्लियर सूप के बाद, देन आपका लेमन कोरिएंडर हो गया। तो लेमन कोरिएंडर सूप के लिए आपको पता ही है वेजिटेबल्स होना चाहिए, लेमन होना चाहिए, देन उसके बाद सीजनिंग, जस्ट सीजनिंग में हमारे पास आरोमेट हो गया, जैसे आपका जस्ट थोड़ा साल्ट हो गया, और स्पाइस करना है थोड़ा सा आप तो उसमें वाइट पेपर ऐड कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो, और लास्ट में आपका लेमन जूस ऐड करना है। ये सारे ऐड ऑन करने के बाद देन आपको लेमन कोरिएंडर सूप बना के पिकअप कर लेना है, यानी कि कोरिएंडर का जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स है उसको फाइन चॉप करने के बाद आप उसमें डालोगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेमन कोरिएंडर के लिए सबसे पहले हमारे पास ये लेमन हो गया, ये लेमन जूस है जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में। देन ये कोरिएंडर लीव्स है जो हमने फाइन चॉप करके रखा हुआ है। देन उसके बाद वेजिटेबल, आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, लेकिन आज हम उसमें वेजिटेबल जो ऐड्स करेंगे कैरेट, कैबेज, देन फ्रेंच जो बीन्स है उसको फाइन चॉप करके हम उसमें ऐड करेंगे। तो उसके बाद देन आपका थोड़ा ये हो गया, आरोमेट हो गया, देन साल्ट हो गया उसमें, देन लेमन जूस ऐड करके आप इसको थोड़ा सा थिक जाएगा, थिन नहीं जाएगा, और वेजिटेबल क्लियर सूप है वो आपका थिक जाएगा। तो सारा ये आपका वीडियो देख के आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन हमने इसको बनाना कैसे है, देन कैसे सर्व करना है, वो चीज़ भी मैं आपको इसी के साथ साथ बताऊंगा। देन उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 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 हम पहले वेजिटेबल क्लियर सूप बनाएंगे तो उसके सारे इंग्रीडियंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, देन उसके बाद लेमन कोरिएंडर बनाएंगे उसका भी मैं उसके बाद आपको करके भी बता दूंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थोड़ा सा इंग्रीडियंट्स पे फोकस करना है, देन आप काफ़ी हेल्थी सूप इजी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में
होममेड तरीके से, जिसको वाह बोल सकते हो, सूप पी के आपको भी मजा आ जाएगा। तो इस तरीके का आज जो हम इंडियन से चाइनीज से लेके आ रहे हैं, जिसको हम ओरिएंटल डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, चाइनीज से बोल सकते हैं, ये सारे दोनों सूप एक साथ लेके आ रहे हैं। एक ही वीडियो में दो दो सूप आपको वो अवेलेबल मिलेगा। उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहना, उसके बाद हम सूप। ये हमने चाइनीज वॉक लिया, ये जो हमारा चाइनीज रेंज है इस पर चाइनीज वॉक बिठाया, देन फ्लेम ऑन किया। फ्लेम ऑन करने के साथ साथ देन हमने फ्रेश वाटर डाला इसमें। फ्रेश वाटर डालने के बाद देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें मशरूम डालोगे, दो से तीन पीस, हम एक ही सूप बनाएंगे। देन ये आपका कैरेट हो गया, कैरेट के बाद देन आपके दो से चार पीस बेबी कॉर्न हो गया, देन ये आपके फ्रेंच बीन्स हो गया, एट लास्ट आपके जो पोक्चो है, आधे पोक्चो है यानी कि हाफ पोक्चो पहले डालोगे, हाफ आप बाद में डालोगे, ये हो गया। देन आपको ये थोड़ा मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद देन आपको क्या करना है, ये हमारा सीजनिंग पाउडर हो गया, आरोमेट हो गया, जिसको मैंने आपको काफी टाइम बताया है, ये हो गया। देन उसके बाद हमारा साल्ट हो गया, साल्ट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सूप जितना आप बनाओगे वो हो गया। देन जस्ट आपको दो से चार दाने आपको शुगर ऐड करना है, ये लास्ट में आपका ये सीसमे ऑयल हो गया। तो ये सीसमे ऑयल और ये सब डालने के बाद में आपका इस तरीके से आपको बनाना है। वेजिटेबल क्लियर मींस एकदम एग्जैक्ट क्लियर दिखना चाहिए, जो भी वेजिटेबल हमने डाला है वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे को प्रेजेंट होना चाहिए। देन आपको इस तरीके से बना के और देन पिकअप कर देना है, तो इस तरीके से इसको पिकअप कर देना है, ये हो गया। वेजिटेबल के साथ में आपको ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले हम वेजिटेबल क्लियर सूप बनाएंगे। क्लियर सूप में आपको पता है कि सारे वेजिटेबल इस तरीके से क्लियर दिखने चाहिए। तो ये हमारा वेजिटेबल क्लियर सूप हो गया। उसके बाद देन हम लेमन कोरिएंडर सूप बनाएंगे, देन उसके बाद आप वो सूप भी पी सकते हो। देन ये वाला वेजिटेबल क्लियर सूप तो आपका अभी रेडी हो गया, अभी पी सकते हो आप, इंजॉय कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्थी सूप है, काफ़ी हेल्थी वेजिटेबल्स ऐड किया हमने इसमें। फिर से चाइनीज वॉक लिया, जो हमारा सेकंड सूप था मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड सूप था उसमें हमारा लेमन कोरिएंडर था, और फर्स्ट जो हमने बनाया वेजिटेबल क्लियर सूप बनाया, सेकंड सूप है हमारा लेमन कोरिएंडर, जो मैंने आपको वीडियो में भी बोला है और बताया है, काफ़ी पॉपुलर सूप है। तो वो भी एक बहुत इजी तरीके से सूप बना के हम पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन किया, हमारा ये जो चाइनीज रेंज है इस पर फ्लेम ऑन के साथ साथ देन ये हमारा चाइनीज वॉक बिठाया। वॉक जैसे ही हमने बिठाया, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका जो है वेजिटेबल्स है, मैंने आपको बताया ये हमारे वेजिटेबल्स है, सबसे पहले आप वेजिटेबल ऐड करोगे। ये वेजिटेबल ऐड कर दिया हमने, तो इसमें थोड़ा सा हम पुट ऑन कोरिएंडर करेंगे। कोरिएंडर के साथ साथ देन हमारा ये स्वाद अनुसार यानी कि क्वांटिटी के अनुसार हमने साल्ट डाला, ये हमारा आरोमेट हो गया टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन थोड़ा सा आप जस्ट थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करोगे, और लास्ट में देन ये हमारा लेमन जूस हो गया लेमन फ्लेवर के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा हमने ये थिक करना है, तो थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा थिक नहीं जाएगा वो। पिकअप होएगा तो आपको यानी कि टॉप ऑफ आपको फिर से कोरिएंडर ऐड करना है, और इस तरीके से आप लेमन कोरिएंडर सूप हो गया जो आप देख रहे हो, एकदम वेजिटेबल दोनों हमने वेजिटेबल बनाए हैं, ये भी लेमन कोरिएंडर बेस है और वो भी हमारा वो जो है बेस क्लियर सूप है। तो दोनों सूप मैंने आपको बना के देन प्रैक्टिकल के साथ बताए हैं, मैं दोनों एक साथ कर देता हूँ, दोनों सूप दोनों आपको एक ही वीडियो में दो दो सूप देखने को, देन रेसिपी के साथ, देन इंग्रीडियंट्स के साथ, जो भी हमारा सीजनिंग के साथ। तो दोनों सूप हमने बनाया है एक ही वीडियो में,
दोनों काफ़ी हेल्थी सूप है, देन काफ़ी पॉपुलर सूप है हमारे चाइनीज़ के, जो कि दोनों वेराइटी से आप देख सकते हो। देन उसके बाद दोनों सूप आप ये पी सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। इन्जॉय के साथ साथ देन मेरे चैनल को कमेंट्स करें, कमेंट्स के साथ साथ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। उसके लिए थैंक यू सो मच।